महात्मा गांधी एक बड़े नेता थे उस समय आजादी के आंदोलन के। उन्होंने एक संकल्प ले रखा था, वो ये कि भारत का बंटवारा होगा नहीं किसी भी कीमत पर। और महात्मा गांधी ने पूरे देश में ये ऐलान कर दिया था कि भारत बटेगा नहीं, भारत एक रहेगा, अखंड रहेगा। अगर भारत का बंटवारा कोई करना चाहता है तो उसको दिन में सपने देखना बंद कर देना चाहिए, मैं होने नहीं दूंगा। और एक दिन तो इतनी कठोर बात कही उन्होंने कि भारत का बंटवारा बाद में होगा, पहले मैं मरूंगा और मेरी लाश पे भारत का बंटवारा होगा। तो गांधी जी ने यह ऐलान कर रखा था। और आपको शायद मालूम है ये बात कि भारत के करोड़ों नागरिक गांधी जी के साथ थे, तो करोड़ों लोग भी गांधी जी के संकल्प के साथ थे। हिंदू हो, मुसलमान हो, सब लोग गांधी जी के साथ कहते थे कि हमें भी भारत का बंटवारा नहीं कराना है। तो माउंटबेटन नाम का एक आदमी भेजा गया इंग्लैंड से, और उसको इसलिए भेजा गया कि वो जाकर भारत का बंटवारा कराने में मदद करे। और माउंटबेटन को भारत में अंग्रेजों का आखिरी वॉयसराय माना जाता है, आखिरी गवर्नर जनरल माना जाता है। उसने आके जो गोटियां बिछाई उसके आधार पर भारत के बंटवारे की पृष्ठभूमि तैयार हुई। उसने क्या किया, जिन्ना को और ज्यादा राजनीतिक महत्वाकांक्षा से प्रेरित करा के एकदम से पक्का खड़ा कर दिया कि हमको तो पाकिस्तान ही चाहिए। तो बातचीत शुरू हुई, और उस बातचीत में जो अंदर के दस्तावेज हैं, जो मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, वो ये कि जिन्ना एक बार महात्मा गांधी से मिलने गया। महात्मा गांधी ने जिन्ना को पूछा, भाई तुमको क्या चाहिए? कि पाकिस्तान चाहिए। क्यों चाहिए? मुझे प्रधानमंत्री होने का है, अलग मुसलमानों का देश बनाने का है। तो महात्मा गांधी ने कहा कि भारत के मुसलमान तो चाहते नहीं कि अलग पाकिस्तान बने, वो तो तुम्हारे साथ है नहीं। तो जिन्ना ने कहा कि नहीं, मेरे साथ बहुत मुसलमान है। तो गांधी जी ने कहा कि देश में एक जनमत संग्रह करा लो। तो जिन्ना उस बात से पीछे हट गया। फिर गांधी जी ने बड़े प्रेम से समझाते हुए कहा कि तुमको प्रधानमंत्री ही होना है ना, तो भारत के हो जाओ, इसमें क्या बुराई है? लेकिन देश तो एक रहे, देश तो नहीं टूटे। तो जिन्ना तुरंत तैयार हो गया, और गांधी जी को लगा कि इसकी यही कमजोरी है कि ये प्रधानमंत्री होना है इसको। अब जिन्ना ने जब ये मान लिया कि मैं प्रधानमंत्री हो जाऊं, तो उसने कहा फिर भारत नहीं बंटवारा मुझे करना, फिर भारत को नहीं तोड़ना, माने प्रधानमंत्री पद चाहिए। अब जिन्ना के सामने जो व्यक्ति थे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उन्होंने एक ऐसी कड़वी बात कह दी जिसमें सारे देश की दिशा बदल गई। मैंने आपसे कहा था, बहुत ध्यान से इस बात को सुनिएगा, कि थोड़े से किसी क्षण विशेष पर हम एक मामूली सी भूल करते हैं और वो देश के लिए पूरा इतिहास बदल देती है। जब नेहरू जी के सामने ये बात आई कि जिन्ना प्रधानमंत्री बनने के लिए बात कर रहा है और वो देश का बंटवारा नहीं चाहता, तो गांधी जी ने संदेशा भिजवा दिया कि ठीक है, जिन्ना को प्रधानमंत्री स्वीकार कर लेने में कोई गलती नहीं है, अगर देश टूटने से बचता है तो इसको प्रधानमंत्री स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। नेहरू जी ने एक बहुत कड़वा वाक्य कहा, परम पूजनीय स्वामी जी हम लोगों को बार बार ये कहते रहते हैं, और मैं इस बात को विशेष रूप से ध्यान से सुनता हूं कि भाषा का प्रमाद नहीं होना चाहिए, बोली में प्रमाद नहीं होना चाहिए, और वो प्रमाद नेहरू जी की बोली में आ गया। नेहरू जी ने पब्लिक एक स्टेटमेंट कर दिया, पूरे देश की जनता के सामने उनका बयान आ गया कि मैं मोहम्मद अली जिन्ना को अपने कैबिनेट के मंत्रिमंडल के चपरासी के रूप में भी नहीं देख सकता। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कह दिया कि मैं मोहम्मद अली जिन्ना को अपने मंत्रिमंडल के चपरासी के रूप में भी नहीं देख सकता, माने सीधी सी बात है कि मैं उनको अपने मंत्रिमंडल का चपरासी नहीं बना सकता, प्रधानमंत्री बनाना तो बहुत दूर की बात है। और ये बात जिन्ना के दिल में तीर की तरह से चुभ गई, और जिन्ना ने फिर कहा कि अब तो मैं पाकिस्तान बना के ही रहूंगा चाहे जो हो जाए। और यही अंग्रेज चाहते थे। अंग्रेजों ने फिर उस मौके को लपक लिया और जिन्ना को थोड़ी और हवा दी और थोड़ा भड़का दिया, और फिर उसने मारकाट शुरू करा दी। एक डायरेक्ट एक्शन प्लान शुरू हुआ था बंगाल में, और जिन्ना के मुस्लिम लीग पार्टी के जो सदस्य हुआ करते थे उन्होंने तलवारें निकालकर हिंदुओं का कत्लेआम शुरू कर दिया था बंगाल में। और इस बयान के बाद सारी स्थिति और परिस्थिति बदल गई। महात्मा गांधी बहुत कोशिश करते रहे कि किसी तरह से बात बन जाए,
लेकिन वो बात नहीं बनी और जिन्ना उसके बाद फिर माना नहीं और गांधी जी को मिलने भी नहीं आया। फिर उसने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मैं उनके मंत्रिमंडल का चपरासी बनने लायक नहीं हूं, तब तो सवाल ही नहीं उठता, अब तो मैं नया देश बना के ही रखूंगा और उसका प्रधानमंत्री बन के दिखाऊंगा। अच्छा, जिन्ना का जो एक डॉक्टर था जो उसका इलाज करता था, उस डॉक्टर ने कोई सूचनाएं लोगों को भिजवाई थी और कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को यह जानकारी दी थी कि ये जिन्ना ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है, इसको बोन टीबी हो गई है, ये 2-4-6 महीने जिंदा रहेगा, उसके बाद मर जाएगा, इसको प्रधानमंत्री अगर बनाना है तो बन लेने दो, देश तो एक रहेगा, बंटवारा नहीं होगा। लेकिन किसी ने उस डॉक्टर की बात पे ध्यान नहीं दिया और अंत में फिर वो हुआ। अंग्रेज तो तैयार बैठे थे, तो अंग्रेजों ने अपनी संसद में एक कानून पास कर दिया जिसका नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, और इस कानून की परिभाषा में यह तय किया गया कि इस कानून के पास होते ही भारत के दो हिस्से हो जाएंगे, एक भारत रहेगा, दूसरा पाकिस्तान हो जाएगा। पाकिस्तान कहां कहां हो जाएगा उसकी सीमा तय कर दी अंग्रेजों ने, और भारत कहां कहां रहेगा उसकी सीमा तय कर दी अंग्रेजों ने, और इस तरह से यह बंटवारा हो गया कि पाकिस्तान मिलने के थोड़े महीने के बाद ही जिन्ना मर गया, सच में मर गया, और वो टीबी से मर गया, उसको बोन टीबी थी।